अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज हम लाने जा रहे हैं तवा फिश फ्राई। विलेजेस में किस तरह से तवा फिश फ्राई बनाई जाती है आज हम उसकी फुल रेसिपी स्टेप बाई स्टेप आपसे हम शेयर करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमने फ़िश को अच्छी तरह से धो लेना है और हमने 2 kg फ़िश ले ली है। उसके लिए हम सबसे पहले हम फ़िश को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। फिश का जो जितना भी वेस्ट मटेरियल है अब हम सबसे पहले हम उसको निकालेंगे। फिश को हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है और इसी प्रोसेस से हमने सारी फिशों को साफ़ कर लेना है। अब हम फिश को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। अच्छी तरह से हमने फिश को साफ कर लेना है। हमारी फिश अच्छी तरह से साफ हो चुकी है। हमारी फिश अच्छी तरह से साफ हो चुकी है। उसके लिए हम सबसे पहले मसाले को तैयार करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले बेसन को ले लेंगे। और साथ में 2 tbsp रेड चिली भी ले लेंगे। और साथ में 1 tbsp हल्दी का पाउडर भी ले लेंगे। साथ में 50 g कोरिएंडर पाउडर भी ऐड कर लेंगे। और साथ में ही 50 g गरम मसाला भी ऐड कर लेंगे। और साथ में हम 2 tbsp साल्ट भी ऐड कर लेंगे। और लास्ट में हम जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर लेंगे। इन सारे मसालों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। हमारा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम फिश को लेंगे और इसमें अच्छी तरह से हम मसाले को कोटिंग करेंगे, अच्छी तरह से रब करेंगे। इस सेम प्रोसेस से हम सारी फिशों को अच्छी तरह से मसाला लगा के रख देंगे। इसी तरह से हमने मसाला लगा लेना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट भी करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। सेम प्रोसेस से हमने सारे फिश को मसाला लगा लेना है। मसाला लग चुका है। अब हम फिश को 5 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। सबसे पहले हम आग को जला लेंगे और तवे को चूल्हे पर रख देंगे। जब भी हम कभी फिश को तवे पर फ्राई करेंगे उसके लिए सबसे पहले हम मस्टर्ड ऑयल को ले लेंगे। हमने जो 5 घंटे फिश मैरिनेट करके रखी थी वो बिल्कुल तैयार है। ऑयल को हम अच्छी तरह से तवे पर लगा लेंगे। एक एक करके हम सारे फिशों को रख देंगे तवे पे। अब हम फिशों की साइडों को चेंज कर लेंगे। इतना अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लग रही है। इसी तरह से हमने सारी फिशों की साइड चेंज कर लेनी है। अब हमारी जो फिश हैं एक साइड से अच्छी तरह से पकती हैं, अब हम इसकी दूसरी साइड को भी चेंज कर लेंगे। हमारी फिश पर अच्छा और गोल्डन कलर आ चुका है। हमारी फिश अच्छी तरह से तैयार है, अब हम इनको तवे से उतार लेंगे। हमने जो पहली फिशें निकाल ली हैं, अब जो बाकी फिशें रह गई हैं, अब उनको भी सेम प्रोसेस से हम तवे पर रख देंगे। अब हम इन फिशों पर एक प्लेट रखकर उस पर कोई बारीक सी चीज़ रख देंगे। अब हम फिशों की साइड को चेंज कर लेंगे। फिशों पर बहुत अच्छा कलर आ चुका है। हमारी ये फिश भी अच्छी तरह से बन के तैयार है, अब हम इनको भी तवे से उतार लेंगे। हमारी क्रिस्पी फिश अच्छी तरह से बन के तैयार हैं और फिश पर बहुत अच्छा कलर आया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट भी करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आप इस सिंपल और आसान सी रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें और इसे बनाकर अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत ही यूनिक और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें। हमारी फिश बहुत अच्छी तरह से बन के तैयार है। अब हम फिश को ट्राई करेंगे। हमारी फिश बहुत अच्छी तरह से तैयार है और बहुत जूसी बनी है।